Hello guys, so welcome to the new vlog. This time we are traveling to a place which is very special to him. मतलब हम जहाँ जा रहे हैं उसका excitement मेरे को है पर उससे कई ज़्यादा शाम को है, because शाम का समझ लो एक dream ही है, समझ लो जहाँ जा रहे हो एक dream है. One of the dreams, yes. जगह का जो नाम है, so हर बार की तरह हम लोग तुम्हें हिंट देते, right? किधर हम लोग हिंट देंगे और हर बार की तरह हम टाइटल लिख देंगे हम लोग कहाँ जा रहे हो. Wow. But it's a fun thing. We're traveling to a place. जहाँ पे जो तुम्हारा दर्द है ना, दर्द वो तुम्हारे से शुरू होता है. मतलब जो दर्द तुम्हारी ass से शुरू होता है वहाँ जा रहे हैं. So ass से शुरू होने वाले दर्द को कहते हैं ass pain. जो लाइन होती है वो हमेशा सीधी होती है ना, क्यू इज स्ट्रेट, बट आज पहली बार क्यू इज इन द क्यू फॉर्म. यहाँ से चालू हुआ लाइन, यहाँ से ऐसा घूम के आया और फिर ऐसा. हम अपना लेओवर कहाँ पे, फर्स्ट फ्लाइट का? मनीच. अबे म्यूनिक होता है, मनीच क्या होता है. मनीष के साथ कम रहे थोड़ा. शाम देखो पता है ना, वेट लिमिट 23 kg है, अगर थोड़ा भी बढ़ गया ना, बच गया. हर बार इधर धक 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 धक. मेरा तो इससे बड़ा बैग था और मेरा एग्जैक्ट 22.9. अब बचा हूँ ना जो मैं. देखा मेरा पैसा प्रॉपर वसूल हुआ है, तूने प्रॉपर वसूल नहीं किया है, तो थोड़ा पानी वानी ज्यादा जेब में रख लेना, थोड़ा टिश्यू विशू जेब में रख लेना, सुनना ही नहीं है मेरे को. शाम तेरी बैग को हो सकता है तू आखिरी बार देख रहा हो तो देख ले, क्योंकि पता है ना लास्ट टाइम. घर पे मेरी बैग की पूजा कर गया है, ये बार घूमना नहीं. वो जो दीदी थी ना, उनको मैंने पूछा कि मैम लास्ट टाइम ना एयर फ्रांस हम लोग गए थे और हमारा पेरिस पे बैग आया नहीं था, तो इज देयर अ चांस कि हमारा ये भी बैग नहीं आया, तो मैं बाय बोल दूं प्रॉपरली. क्या बोली वो? तो वो थोड़ी ऐसे मतलब ये हो गई, थोड़ी ऐसे ऑकवर्ड हो गई और बोली नहीं नहीं सर, देयर इज 0% चांस. तो मेरा फोन ले लेती वो, ठीक है ना. कंटेंट पहले क्या? बैग इज मोर. तो उसने बोला नहीं होगा, सो आई होप ना हो, क्योंकि मैंने ना पूरा वार्डरोब खाली करके लाया हूं. वापस अगर इस बार हो गया, मैं यूरोप नहीं जा रहा. तो इसमें फ्लाइट का प्रॉब्लम नहीं, अपन पे शनि बैठा है, अपना अपना प्रॉब्लम. पूजा वूजा कराना पड़ेगा फिर. तो हमारी जो फ्लाइट है वो है फ्रॉम मुंबई टू म्यूनिक, फिर वहाँ से हमारा ले ओवर है फॉर 4 hours एंड देन वी हैड टू सिविया. सिविया को क्या बोलते हैं तेरी भाषा में? सिविल्ला. सिविल्ला सेविल्ला. जब हम वहाँ जाएंगे तब वो सीविया हो जाएगा. सीविया पहुँच कर वहाँ पर हमारा 5-6 दिन का स्टे है, वेयर वी आर गोना सी द मैच. एंड बाय द वे द मैच दैट वी आर गोना सी इज सेविया वर्सेस वैलेंसिया. दोनों ही बहुत अच्छी टीम है ला लीगा की, माय फेवरेट टीम. मेरी भाषा में सेविया इंडियंस वर्सेस वैलेंसिया नाइट राइडर्स, सुपर किंग्स नाइट राइडर्स, व्हाटएवर. सो यू नो विथ शाम बीइंग हार्डकोर फुटबॉल फैन, आई माइट गेट कन्वर्टेड, बट आई डोंट थिंक सो. मतलब क्रिकेट तो क्रिकेट का अलग ही है भाई, फुटबॉल फुटबॉल क्या है, क्रिकेट अलग है फुटबॉल अलग है, कैन मिक्स टू थिंग्स. हां ऑब्वियसली, मतलब या ऑब्वियसली डॉग, बॉल का फर्क है. अरे बच्ची कैसे हो भाई? लोकल ट्रेन, लोकल फ्लाइट बन गई है. क्रॉप देखो, इन लोग को लग रहा है हम लोग इनको क्रॉप करने वाले हैं, पर इन लोग सही है. 77 भाई, इधर भी बहुत लाइन है. जो भीड़ वाड़ है ना जो लोकल ट्रेन का, वो छोड़ ही नहीं सकता अपने को. इधर भी भीड़, हर जगह भीड़. मतलब मेरे को लगता है अपन जो एसी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उससे ज्यादा भीड़ इधर है. So we have landed in Munich. Huh? क्या कर रहा है? Alarm. नहीं जाने का. Just camera चालू है इसलिए fitness freak बन रहा है क्या? Not because of camera, because it's my lifestyle. Being fit. एक भी बार escalator पे चढ़ा? याद रखना. पूरे ट्रिप पे एस्केलेटर पे नहीं दिखना चाहिए, लिफ्ट एस्केलेटर और सीधा एस्केलेटर दिखना ही नहीं चाहिए. ऑलराइट गाइस, सो इट्स 6 AM इन म्यूनिक. आई गेस 3.5 घंटे का फर्क है, तो इंडिया में अभी बजे होंगे 9:30. एंड पता नहीं ठंडी क्यों लग रही है, ठंडी होनी नहीं चाहिए, शायद एसी की वजह से लग रही है. तो यहाँ पर हमारा 4-4.5 घंटे का लेवर है, फिर हमारी फ्लाइट है 3 घंटे की सीविया की. स्टेयर्स से जाना, एस्केलेटर पे दिखना भी मत, समझा क्या लाला?
क्या हुआ सर? एक सेकंड, नीचे उतरने में क्या फिटनेस का वो भी? क्या हुआ सर? नहीं नहीं, दिखने नहीं चाहिए। यू हैव कमिटेड योरसेल्फ टू अ रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच इज गोना कॉस्ट यू फॉर द एंटायर ट्रिप। तो इधर एक बहुत भारी सिस्टम है, यहाँ पे टिश्यू पेपर कुछ नहीं है, आप खाली ये हैंड टच टावल करके लिखा है, यहाँ इसके नीचे हाथ रखो, टावल आएगा, हाथ पोछो एंड वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट दिस डज इज कि इससे जो टिश्यू वेस्टेज होता है, जो अपन वेस्ट होता है, वो क्रिएट ही नहीं होता है, यूज करो रिसाइकल हो जाएगा। बट आई होप वो रिसाइकल हो रहा है। बच्ची एयरपोर्ट पे भी स्टेशन है, स्टेशन अपना पीछा छोड़ ही नहीं सकता। हाँ भाई, कितना भी दूर आ जाओ स्टेशन से, मेट्रो पीछे पड़ी जाती। सो वी आर एट द म्यूनिक एयरपोर्ट और यहाँ पर टू ट्रैवल फ्रॉम वन गेट टू अनदर यू हैव टू यूज दिस मेट्रो। चढ़ चढ़ चढ़, अल्लाह नाटक करता है बेचारे को ब्लॉक के चक्कर में। शाम किधर गया? अबे तू फिल रुक गए इधर। चल 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 चल। स्पेन में ज को खा बोलते हैं। ख? हाँ। तो अगर मुझे जज बोलना होगा तो ख बोलते हैं। मुझे जज बोलना होगा तो This part of our flight journey is the most feared, दर्द भरा, खतरनाक। जो हम लोग इधर खड़े हैं ना, अभी तक 10 मिनट हो गए, अभी तक बैग आया नहीं है। याद आ रहा है कुछ कुछ? दिल दिख रहा। यहाँ पे सब लोग भरे हुए थे, अभी लोग लोगों के बैग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग के। ये भाई बैग आ गया। ये लोग इतने बेवकूफ है, वहाँ इंडिकेटर पे लिखा हुआ है कि जो म्यूनिक से फ्लाइट आई है उसका जो बेल्ट नंबर है वो 2 है, तो हम 2 पे रुके, पूरा खाली हो गया, वापस हम लोग फट गए कि बैग आया क्यों नहीं। बाद में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल कम विद आकृति, उसने दिमाग लगाया शायद इंटरनेशनल फ्लाइट का अलग बेल्ट होगा, तो शी वेंट आस्क समवन, तो शी वाज लाइक कि 7 or 8 बेल्ट पे इंटरनेशनल फ्लाइट वालों का आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग का बैग आ गया इधर। बड़ी गलत बात है ना, उन्होंने मेंशन भी नहीं किया और एक ही फ्लाइट आ रही है, तो गलत हमारी गलती है। हमारी गलती कैसी हुई भाई? मैंने तो ना फिर कभी यूरोप आना ही नहीं था, अगर मेरा आज भी बैग घूमना था ना, माँ कसम मैं यूरोप नहीं आता कभी जिंदगी में। सीनियर सी सीनियर ग्रेसियस लेट्स गो बॉयज। बहुत बड़ा गाड़ी, मैं क्या बोलता, बाकी लोग को उठा लेते ना, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, टिकट का पैसा ले लेंगे थोड़ा। ओ परतीशा ने पुरता मी विया बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 परतीशा ने पुरता मी विया। यहाँ पे एक भी खड्डे नहीं होते क्या भाई? एक भी नहीं? यहाँ पे जो रोड का पैसा निकलता है वो पूरा पैसा रोड में बनाने में जाता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब जो पूरा टैक्स आया पूरा वो ईमानदारी से रोड बनाने में जाता है। गाइस ये मुझे खाकरा लग रहा है, इसमें गुज्जो भी लिखा है। आ खाकरा छे, आमा लख्यू छे गुज्जू, आमा गुज्जू लख्यू छे, पण खाकरा नथी, आपण गुज्जू छे पापड़ी। यहाँ पे मतलब किसी का कुछ आता पता ही नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं रो रहा है, यहाँ पे किसी के झगड़े नहीं हो रहे घर पे, किसी के टीवी की आवाज नहीं है, ये सब अपार्टमेंट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या है। मतलब इतना सुनसान रास्ते है, कोई नहीं दिखा है बंदा वहाँ पे, कोई नहीं दिखा है। एंड इट्स जस्ट 10:47 राइट नाउ। स्टाइल मारते हुए और हकते हुए बड़ों के साथ नहीं कर पा रहे तो बच्चों के साथ फ्लेक्स कर रहे हैं। स्पेन के मरीन ड्राइव पे हम ग्रेसियस सेनोरे सेनोरिता सी पोर फेवर। सो इट्स डे 1 ऑफ द इवेंट एंड डे 2 इन सेविया। आज प्लेयर्स एक्सेस है, वो लोग का मीडिया इवेंट है एंड विल बी गेटिंग टू सी मेनी प्लेयर्स, आई गेस ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम द सेविया फुटबॉल टीम। ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जिनको मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ एंड इट्स लाइक कि कब इनको शायद कभी देखने मिलेगा। एंड टुडे इज द डे व्हेन आई एम गोना लिटरली सी मेनी ऑफ देम। सही बात मेरी, आई एम सो एक्साइटेड। ऐसे इतने सारे प्लेयर्स है जिनको देखता हुआ नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं पहचान पाऊंगा बट आई ट्राई टू, मतलब ऐसे क्या। सेविया एफसी, पूरा प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये सेविया एफसी का ट्रेनिंग ग्राउंड है। जेस नवास, इवान रैकेटिच, ये सब यहीं पे, यहीं पे प्रैक्टिस कर। भाई साहब बोलते वक्त वो घुस बंद रहे, आई मीन बीइंग अ फुटबॉल फैन आई नो जो भी एक यूरोपियन अच्छा यूरोपियन क्लब है उसके पीछे आपको थोड़ा हिस्ट्री जानने, अगर आपको हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा और अगर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे आने का मौका मिलेगा तो इट्स नथिंग इज बेटर देन दैट एंड आज यू आर गोना विटनेस दैट। सो एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अपना सर्जियो रामोस, इवन ही यूज्ड टू प्ले फॉर सेविया एफसी, वो भी यहीं पे आया करता था। Thank you.
अदनान शामिल है। He is Nawaz, ये कैप्टन है Nawaz। भाई साहब बोनू गरबा क्यों खेल रहे? Why are these guys playing गरबा? ए ढोलीड़ा 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 पोपट पोपट। गाइस ये लोग भी बीच का बंदर खेलते हैं, बट यहाँ पे लोग जो बीच का बंदर खेलते हैं वो वन टच खेलते हैं, और ये लोग का लेवल बहुत ज्यादा ही इंटेंस है। आप सोच भी नहीं सकते कि आफिर के साथ खेल सकते, पापा 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 ऐसा खेलते। तो अभी जो ये लोग बीच में प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी सब प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डिफेंडर्स जो है वो यहाँ पर आ गए, आई गेस वहाँ पे मिडफील्डर्स और यहाँ पे मिडफील्डर्स है। तो डिफेंडर्स का अलग प्रैक्टिस चलेगा, अलग ट्रेनिंग चलेगा, इन लोग का अलग ट्रेनिंग चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग वन टच खेल रहे हैं मिडफील्डर्स। इन लोग का गेम में वन टच का रिक्वायरमेंट होता है, अच्छा टच चाहिए होता है। सो दैट्स व्हाई दीज पीपल आर ट्रेनिंग हियर। डिफेंडर्स वो लोग अलग ट्रेनिंग चल रहे हैं, वो लोग वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। स्टाडियो हिज इज नवास, इससे बड़ा एक ट्रिब्यूट हो ही नहीं सकता किसी प्लेयर के लिए। तो हिज इज नवास जो है वो सेविया एफसी का कैप्टन है, एंड जो ट्रेनिंग ग्राउंड है ये पूरा उनके नाम पे कर दिया है। और एक ये उपाधि होती है कि जो आपका मेन ग्राउंड होता है उसमें एक दो स्टैंड आपके नाम पे हो जाते हैं, या फिर बाहर आपका एक पुतला का स्टैचू खड़ा कर देता है, वेंगर का बनाया आसू पे। एग्जैक्टली, ये जो कुछ कुछ चीज़ें अगर ये यार ऐसे इमेजिन करो, यू आर हिज़ नवाज एंड यू कम डाउन हियर एंड आप रोज इधर इसको देखते हो, आपके नाम पे है आपका ट्रेनिंग ग्राउंड ब्रो, क्रेजी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। जैसे अपन रिपोर्ट कैसे करते हैं सुबह 10 बजे ऑफिस आने का, 4 बजे निकल जाने का, यहाँ पे भी ये लोग ऐसा होगा कि 8-9 बजे रिपोर्ट करो एंड देन टेल अ पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू बी हियर, यू कैन नॉट ट्रेन ऑन द मेन होम ग्राउंड। होम ग्राउंड इज ओनली फॉर द बिग गेम्स, होम ग्राउंड पे वहाँ पे आप नहीं खेलते हो, ट्रेनिंग नहीं करते, बट जब मैच डे होता है तो उस दिन आप 2 घंटे पहले आते हो, यू नॉक द बॉल, टेक द फील ऑफ द ग्राउंड, खराब हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, रिक्रिएशनल से लेके खाना पीना, जिम, लाइब्रेरी, आपको ऑपरेटिंग है। सुबह 9 बजे चेक इन करो, ट्रेनिंग करो, फुटबॉल खेलो, बस हाँ ये बात है, खेलना मिलता है आपको, खेलने के पैसे खेलने के।